हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। तो गाइस, कल हुए पीएमडब्ल्यूएल सुपर वीकेंड वीक टू डे वन के ओवरऑल स्टैंडिंग्स आप देख सकते हो। फर्स्ट पे आरआरक्यू एंड सेकंड पे बीटीआर एंड थर्ड पे टीम सेल्स एंड बाकी की स्टैंडिंग आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो गाइस, हम पीएमडब्ल्यूएल की बात कर ही रहे हैं। तो गाइस, कल पीएमडब्ल्यूएल इरेंगल मैप में गाइस हमें वेल्डस एंड टीम केओजी के बीच हमें मैच फिक्सिंग देखने को मिली गाइस। एंड गाइस, इस चीज पे पबजी मोबाइल का कोई रिएक्शन हमें नहीं देखने मिला है। एंड गाइस, वो पार्ट आप देख सकते हैं, उनकी फाइट जहां हुई थी एंड वो फिर उन्हीं के ऊपर भारी पड़ा। बट वेल्डस का स्क्वाड बहुत ही ज्यादा मुसीबत में, बिकॉज दोनों तीनों प्लेयर को नॉकडाउन करेंगे एंड ओपन में आम जॉनी क्लॉथ ऐसे प्लेयर है जो सर्वाइवल पॉइंट्स के लिए जाएंगे। बिकॉज इस ड्रिप पे अगर आप रिवाइवल देने के लिए आते हो अपने अपने प्लेयर को, तो फिर यू कैन से बहुत बड़ी आप गलती कर बैठे। वेल्डस का स्क्वाड पहला ऐसा होगा जो ऐसे एलिमिनेट होता नजर आएगा। बट आप सेड इनको पूरा फिनिश करेंगे। सिनर्जी के टेड डीपी 28 चलती हुई नजर जरूर आ रहे हैं। दो फाइट इकट्ठी एंगेज हुई है। अब देखते हैं उस तरफ क्या यू कैन से माहौल बना हुआ है टीम सिनर्जी के सामने। अब मैप की साइड अगर हम लोग देखें, मिल्टा पावर से निकल चुके टीम T1 का स्क्वाड और सिनर्जी भी निकल चुके। दैट मीन सिनर्जी पीछे से बैक स्टेप भी हो सकती है। मुश्किल है यहाँ पर ये बन जाएंगे कि वेल्डस के प्लस केओजी वो टीम है जो बेयरली क्वालिफाई हुई थी अपने आप को टॉप 16 लाने के लिए। लेकिन अभी केओजी का जो रंग देखने को मिल रहा है काफी अच्छा तरीके से ये लोग फाइट निकाल रहे हैं। आप देखिए, इन्होंने पहले नॉक किया और उसके बाद निकल चुके यहां से थोड़ा सा आगे फॉर सम डिफरेंट रीजन। आर दे गोइंग फॉर अ रोटेशन? व्हाई आर दे नॉट गोइंग फॉर अ फिनिश आउट इन दिस? आप देखिए, क्यूजी के प्लेयर्स के पास तीन किल्स और तीनों किल्स छोड़ दिए और निकल गए कहीं और। दैट्स नॉट अ स्ट्रेटजी, दैट्स जस्ट गोइंग, दैट्स फुलिशनेस। Exactly, that's not what you should be doing. आपके सामने तीन किल्स हैं। I'd say कि बहुत बुरा प्ले यहाँ पे दिखाया है केओजी ने। I don't know कि क्या intention थी वहाँ पे वो दिखाने की। अब क्या वो deliberately play कर रहा है वहाँ पे कि वो दिखाया है उन्हें, या तो फिर अपने प्लेयर्स को वापस एक चांस दिया है इस वाले मैच में बने रहने का। एंड गाइस, आपको क्या लगता है ये मैच फिक्सिंग है कि नहीं, एंड आप कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज की हमारी पहली न्यूज है 8bitthug एंड कैरीमिनाटी से रिलेटेड। तो गाइस, 8bitthug एंड कैरीमिनाटी का सेकंड चैनल कैरीज लाइव चैनल हैक हो चुका है। तो गाइस, 8bitthug का चैनल हैक होने के बाद कल तो गाइस वो बंदा उनके चैनल पे लाइव स्ट्रीम करता है क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड एंड साथ ही उनका चैनल का नेम भी चेंज कर देता है एंड सारी वीडियोस डिलीट कर देता है। एंड गाइस, अगर आप उनका चैनल अभी चेक करोगे तो उनका चैनल आपको अभी नहीं देखने मिलेगा। इस चीज पे 8bitthug रिएक्ट करते हुए कहते हैं, माय चैनल एंड ईमेल गॉट हैक्ड, विल कीप यू ऑल अपडेट। एंड गाइस, हमें सेम थिंग कैरीमिनाटी के सेकंड चैनल कैरीज लाइव पे देखने मिला, जहां पे बंदा उनका चैनल हैक करके क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देता है उनके चैनल पे। एंड गाइस, यही नहीं, उनका प्रीवियस स्ट्रीम बिहार और आसाम के लिए जहां पे उन्होंने चैरिटी स्ट्रीम कर रहा था, उस स्ट्रीम को हैकर ने रीस्ट्रीम स्टार्ट कर दिया, जहां पे उसने अपना जीपे नंबर और कुछ लिंक्स वगैरह डाल रखा था। एंड इस चीज पर कैरीमिनाटी रिएक्ट करते हुए कहते हैं, मी एंड माय टीम आर वर्किंग टुवर्ड्स गेटिंग इट बैक, अंटिल देन इंतजार करो। तो गाइस, हमारी अगली न्यूज है डायनामो से रिलेटेड। तो गाइस, कल डायनामो ने अपने इंस्टा के थ्रू एक अपडेट दिया, जहां उन्होंने बताया टीम हाइड्रा की तरफ से हमें बिहार और आसाम के लिए एक चैरिटी स्ट्रीम देखने मिलेगी संडे 8 PM को, जैसा की आप देख सकते हो। तो गाइस, हमारी अगली न्यूज है जोनाथन से रिलेटेड। तो गाइस, कल पीएमडब्ल्यूएल मैचेस में जोनाथन पिंग इश्यूज की वजह से मर जाते हैं एंड इस चीज को अपने इंस्टा के थ्रू शेयर करते हैं, वो पार्ट आप देख सकते हो। Watch out! एंड गाइस, जब वो स्ट्रीम कर रहे होते हैं तो वो अपने टीम परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात करते हैं, जहां वो बताते हैं वो कहां कहां लैग कर रहे हैं। तो वो क्या कुछ कहते हैं इस रिगार्डिंग, आप वो पार्ट देख सकते हो। ट्राई कर रहे हैं हम थोड़ा, वो मतलब लैग कर रहा है हम लोग में से, अभी वही हम देख रहे हैं क्या क्या इशू हो रहा है, अभी वो देखते हैं। आएगा अपना टाइम आएगा ब्रो, चिल करो आप लोग सब, चिल करो। वो बोल के नहीं करके दिखाएगी, बट वो टाइम थोड़ा आ रहा नहीं है भाई, क्यों फोड़ो भाई वो टाइम को। व्हाट इज बिहेवियर गाइस? Bro, just focus on your gameplay, bro. Avoid haters' comments. We can imagine the pressure of PMW. All the best. Bro, pressure की बात बिल्कुल नहीं है, but थोड़ा I don't know, कुछ तो घूमा हो रहा है और कुछ नहीं. Bro, area change.
गाइस हमारी अगली न्यूज है टीम एक्स स्पार्क से रिलेटेड। तो गाइस टीम एक्स स्पार्क से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी हमें 15 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस ये चीज कल उन्होंने अपने इंस्टा के थ्रू अपडेट दिया, गाइस वो डेट्स आप देख सकते हो। गाइस बेसिकली एक हिंट दिया है उन्होंने एंड लेट्स सी ये क्या अपडेट हो सकता है 15 अगस्त को। तो गाइस हमारी अगली न्यूज है स्काउट से रिलेटेड। तो गाइस जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था स्काउट एंड डिबाला के बीच में हमें एक कोलैब स्ट्रीम देखने को मिलेगा। तो गाइस ये स्ट्रीम हमें कल ही देखने को मिल गया। अगर गाइस आपने ये स्ट्रीम मिस कर दिया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो ये स्ट्रीम। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।